नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। एक पुरानी छोटी सी दुकान जो आज तक लोगों की नज़रों से बची रही, वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति लोगों को खाना खिलाकर और बदले में चंद रुपए कमाकर अपना जीवन बसर कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब किसी अनजान व्यक्ति ने उनके इन हालातों को दुनिया के सामने दिखाया और दंपत्ति की पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये कहानी काफ़ी फिल्मी लगती है ना? लेकिन ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की कहानी है। जी हाँ, बाबा का ढाबा, ये नाम आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है। लोग दूर दूर से ढाबे पर खाना खाने पहुँच रहे हैं। देश विदेश से ढाबा चलाने वाले दंपत्ति को डोनेशन तक दिया जा रहा है। लेकिन अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। दिल्ली के मालवीय नगर में एक दंपत्ति छोटा सा ढाबा चलाता है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। ढाबा चलाने वाले बाबा का नाम कांता प्रसाद है। एक दिन ऐसा आया कि सड़क किनारे फुटपाथ पर अपना छोटा सा ढाबा चलाने वाले 80 वर्षीय बाबा कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी रातों रात मशहूर हो गए। कैसे हुए? दरअसल लॉकडाउन के बाद बुजुर्ग दंपत्ति अपने इस ढाबे से गुजारे भर के पैसे भी नहीं निकाल पा रहे थे। अब कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बाबा कांता प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फूड ब्लॉगर की बाबा का ढाबा पर नज़र पड़ी तो उसने बाबा के ढाबे की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में बाबा रोते हुए अपनी कहानी बताने लगे जो सोशल मीडिया पर लोगों को भा गई। ब्लॉगर ने लोगों से अपील की कि वे एक बार बाबा के ढाबे पर खाना खाने ज़रूर आए। बस फिर क्या था, बाबा रातों रात मशहूर हो गए। फिर लोग बाबा की मदद कैसे करें उसका उपाय सोचने लगे। बॉलीवुड हस्तियां रवीना टंडन, सोनम कपूर, सुनील शेट्टी जैसे सेलिब्रिटी और IPL में दिल्ली की टीम ने बाबा के ढाबे पर जाने की लोगों से अपील की। ऐसे में जब अगले दिन बाबा का ढाबा खुला तो वहाँ ना सिर्फ भीड़ जुटी बल्कि मीडिया का भी जमावड़ा लग गया। कई राजनीतिक नेता भी बाबा का ढाबा पर पहुँच गए और चंद ही घंटों में बाबा का सारा खाना बिक गया। यहाँ पहुँचे लोगों ने ना सिर्फ बाबा का खाना खाया बल्कि अलग से रुपए देकर बाबा की मदद भी की। अचानक इतनी भीड़ और लोगों का प्यार देखकर बाबा की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने कहा, जैसे पूरा देश हमारी मदद को आगे आ गया है, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। बाबा के मुताबिक लॉकडाउन से पहले उनके ढाबे का खाना बिक जाया करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ढाबा बंद हो गया और फिर जब लॉकडाउन खोला तो थोड़ा बहुत खाना भी लोगों ने लेना बंद कर दिया। ऐसे में खाना बनाने में जो लागत लगती थी दंपति के लिए वो भी निकालना महंगा पड़ रहा था। लेकिन पूरे परिवार का खर्च उठा रहे बाबा की किस्मत ऐसी पलटी कि पूरे देश भर से मदद के हाथ उठने लगे। बाबा के नाम से लोग डोनेशन देने लगे। शुरुआत में लोग पैसा बाबा को देकर जाते थे। बाबा का अकाउंट ना होने के कारण कुछ पैसा लोगों ने यूट्यूबर गौरव वासन के अकाउंट में भी डाला, जिसके बाद वासन ने बाबा की अकाउंट डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर की और फिर लोगों ने डोनेशन जारी किए गए अकाउंट में डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाबा के अकाउंट में 46 लाख डोनेशन आने की बात सामने आई। ऐसे में एक साथ ज़्यादा पैसा आ जाने के कारण बाबा का अकाउंट सीज कर दिया गया। लेकिन फिर इस कहानी में नया मोड़ आया और जिस यूट्यूबर ने बाबा को फेमस किया, उनकी इतनी मदद की, उसी गौरव वासन पर बाबा ने 31 अक्टूबर को दान में आए पैसे में हेर फेर की शिकायत की और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया, जिस पर अब मालवीय नगर पुलिस ने IPC की धारा 420 के तहत चीटिंग का मामला दर्ज कर दिया है। ये वाकई चौंका देने वाली बात है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर बाबा ने वासन पर केस क्यों दर्ज किया? गौरव वासन के ही वजह से तो बाबा तक इतने लोग पहुंचे। दरअसल शुरुआत में गौरव वासन ने सोशल मीडिया पर अपने बैंक डिटेल्स शेयर किए थे। बाबा के नाम पर अपने बैंक अकाउंट में आए 3,78,000 में से 2,33,000 का चेक, 1,00,000 के नेफ्ट और 45,000 अपनी पत्नी के अकाउंट से बाबा के अकाउंट में गौरव वासन ने ट्रांसफ़र कर दिए और कुछ 30,000 से 40,000 रुपये वासन के बैंक अकाउंट में ही रह गए। ऐसे में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और उन्हें सोशल मीडिया पर मशहूर करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के आरोप प्रत्यारोप वर्चुअल दुनिया से कानूनी कागजों पर आ गए। लेकिन शिकायत के बाद गौरव वासन ने बाबा के वो पैसे भी लौटा दिए
जिसके बाद अब यूट्यूबर के बैंक खाते में बाबा का एक रुपये नहीं बचा है। पहले ढाबे के मालिक कांता प्रसाद का कहना था कि गौरव वासन ने उनको 2,33,000 के चेक के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन शिकायत के बाद गौरव वासन ने बाबा के वो पैसे भी लौटा दिए, जिसके बाद अब यूट्यूबर के बैंक खाते में बाबा का एक भी रुपये नहीं बचा है। अब पहले ढाबे के मालिक कांता प्रसाद का कहना था कि गौरव वासन ने उनको 2,33,000 रुपये के चेक के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांता प्रसाद के वकील प्रेम जोशी ने कहा कि पुलिस ने उनको बताया है कि कांता प्रसाद के बैंक अकाउंट में 1,00,000 की नेफ्ट और 45,000 गौरव वासन की पत्नी के अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं। यानी कांता प्रसाद और उनके सहयोगी भी 3,78,000 मिलने की बात स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ ही कांता प्रसाद के पास जो 75,000 रुपये नकद डोनेशन आया था, उसे भी गौरव वासन ने बुजुर्ग को बैंक ले जाकर खुद जमा कराए थे, जिसके बाद गौरव ने बाबा का एक वीडियो अपलोड कर लोगों से डोनेशन देने से मना किया था। हालांकि इसके बावजूद लोग बाबा को पैसे देते रहे और बाद में सोशल मीडिया पर बाबा का अकाउंट डिटेल शेयर कर दिया गया। फिर देश विदेश से लोग सीधे बाबा के अकाउंट में पैसे भेजने लगे। बाबा तो ये तक नहीं जानते थे कि उनके पास कितना पैसा आया है, लेकिन खबर ये भी सामने आई कि पैसे आते ही बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया। उन्होंने एक घर किराए पर लिया है और अब नई दुकान भी लेने की सोच रहे हैं। बाबा की ज़िंदगी तो बदल गई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदलने में जिसका अहम योगदान रहा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है या फिर उनकी ज़िंदगी बदलने वाले ब्लॉगर सच बोल रहे हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।